ईयरबड्स एंड वाई वी शुड नॉट यूज़ देम। मार्केट में ईयरबड्स मिलते हैं और हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं अपना कान साफ करने के लिए। डॉक्टर्स और ENT स्पेशलिस्ट्स नहीं रेकमेंड करते कि आप अपने कान में ईयरबड्स डालें। इनकी वजह क्या है? सबसे पहले तो वैक्स आपके कान की एक नेचुरल सिक्रीशन है और उसका एक हेल्पफुल यूज़फुल इम्यून फंक्शन है और उसको वहाँ रहना चाहिए। दूसरा, जब हम बात करते हैं, यॉन करते हैं, थोड़ा सा जॉ मूव करते हैं, उससे वैक्स शिफ्ट होके बाहर की तरफ गिर जाती है और वो बाहर दिखती है और उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे ईयर कैनाल की स्किन भी ऐसे बनी है कि वो बाहर की तरफ माइग्रेट करती है और पीरियोडिकली वैक्स को बाहर फेंक देती है। इसलिए हमें कान में वैक्स निकालने के लिए ईयरबड्स डालने की ज़रूरत नहीं है। ईयरबड्स डालने के क्या नुकसान हैं? नंबर वन, जो वैक्स आपके कान में पड़ी हुई है उसको हम अंदर पुश कर देते हैं। नॉर्मल फिजिक्स है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बाहर से पुश करेंगे तो वो अंदर ही जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। इसको करने से क्या होता है, जो वैक्स नॉर्मल तौर पे बाहर आ जाती वो आपने अंदर पुश कर दी, अब वो बाहर नहीं आएगी। दूसरा, ईयरबड आपके कान में इंजरी कर सकते हैं। इतने पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते हैं जिन्होंने ईयरबड यूज़ किया है और कान में ब्लीडिंग हुई, कान का कैनाल डैमेज हुआ। ऐसे भी केसेस आए हैं कि ईयरबड यूज़ करने से कान के पर्दे में परफोरेशन हुई है। ज़्यादातर ये तब होता है अगर किसी ने आपके हाथ को पुश कर दिया हो और इनएडवर्टेंटली डैमेज हो जाता है। ज़्यादा ईयरबड यूज़ करने से आपकी स्किन सेंसिटाइज हो जाती है और बार बार आपको अपनी ईयर की स्किन में ड्राइनेस या इचिंग महसूस होगी। ईयरबड्स हमको कान में अंदर नहीं डालने चाहिए, उनको कान में अंदर डालने से नुकसान होता है, वैक्स अंदर पुश होता है, इन्फेक्शन हो सकती है, पेन हो सकता है, डैमेज और ब्लीडिंग हो सकती है और रेयरली ईयरड्रम परफोरेट भी हो सकता है। इन सब वजहों के लिए हमें ईयरबड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। तो हम कान को ठीक कैसे रखें? द बेस्ट थिंग टू डू टू योर ईयर्स इज़ टू लीव देम अलोन। द वैक्स विल कम आउट ऑटोमेटिकली। Do not try to make any attempts to try to remove it because you can only get into trouble.